नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस। दोस्तों आपको पता होगा सैमसंग दो टाइप के डिस्प्ले में अपने फोन को लॉन्च करता है, एक एलसीडी और दूसरा एमोलेड। अब आप में से कई लोगों के पास ऐसे फोन होंगे सैमसंग के जिसमें है एलसीडी पैनल और कुछ लोगों के पास होंगे ऐसे फोन जिसमें है एमोलेड पैनल। तो हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन है सेम ब्रांड लेकिन अगर डिस्प्ले अलग है जिसमें एक में है एलसीडी और एक में है एमोलेड, तो हम करने वाले हैं फीचर्स को कंपेयर। हम डिस्प्ले को कंपेयर नहीं करने वाले हैं, हम देखने वाले कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं एलसीडी में लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं, और ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं एमोलेड में लेकिन आपको एलसीडी में नहीं मिलते सैमसंग के फोन में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो शायद आप सभी को पता होगा और काफी लोग उसे यूज करते होंगे, और वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। मतलब कि जब आप अपने फोन को लॉक करते हो आप ऑप्शन पे जो टाइम और बैटरी परसेंट है हमेशा के लिए शो कर सकते हो एमोलेड पैनल में, जैसे कि इस फोन में। लेकिन एलसीडी पैनल में ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता। अगर आप जाओगे डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन में, यहां पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, ये रहा। लेकिन इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं है क्योंकि ये है एलसीडी पैनल। और इसका रीजन ये है कि एमोलेड पैनल में जो पिक्सल्स होते हैं इंडिविजुअली लिटअप कर सकते हैं, मतलब अगर एक पिक्सल को लिटअप करना हुआ तो सारे पिक्सल लिटअप नहीं होंगे, एक ही पिक्सल लिटअप होगा। जिनको लिटअप होना हुआ वही लिटअप होगा। लेकिन एलसीडी पैनल में अगर एक पिक्सल को भी लिटअप होना है तो सभी पिक्सल को लिटअप होना पड़ेगा। मतलब कि मान लो मुझे एक डॉट को शो करना है इस पैनल पे, तो एक डॉट को शो करने के लिए पूरा डिस्प्ले ऑन होगा। लेकिन इस पैनल में एमोलेड में अगर मुझे एक डॉट शो करना हुआ तो एक डॉट के नीचे जितने पिक्सल्स हैं वही लिटअप होंगे, बाकी पिक्सल ऑफ ही रहेंगे, ऑन नहीं होंगे। और इसीलिए आप एमोलेड पैनल में 24/7 ऑल द टाइम एओडी का यूज कर सकते हो और उससे बैटरी भी काफी कम यूज होती है, लेकिन आप ऐसा एलसीडी पैनल में नहीं कर सकते। अगला फीचर है एज लाइटिंग का। आपको पता होगा सैमसंग के फोन में मिलता है एज लाइटिंग का फीचर, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर आप जाओगे सेटिंग्स में और नोटिफिकेशन में फिर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स में, तो आप यहां पे देखोगे एज लाइटिंग तो है इसमें भी है, लेकिन इसमें आप देख सकते हो इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा है जो है शो इवन वाइल स्क्रीन इज ऑफ। मतलब कि जब स्क्रीन ऑफ होगी इस डिस्प्ले में फिर भी एज लाइटिंग शो करेगा, लेकिन एलसीडी पैनल में जब फोन की स्क्रीन ऑफ होगी तब एज लाइटिंग शो नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर इसमें लाइट शो करना है तो जिस प्लेस पे लाइट शो करना है उसी प्लेस पे पिक्सल्स लिटअप करेंगे, उससे बैटरी ज्यादा यूज नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी लाइट शो करनी हुई तो सारे डिस्प्ले को ऑन करना पड़ेगा और ये काफी भद्दा लगेगा और उससे बैटरी भी ज्यादा यूज होगी। इसलिए जो भी सैमसंग के फोन एलसीडी वाले हैं उनमें आपको ऑफ स्क्रीन पे एज लाइटिंग का फीचर देखने नहीं मिलेगा। हालांकि जब ऑन होगी स्क्रीन तब आप एज लाइटिंग का यूज कर सकते हो, लेकिन जब स्क्रीन को ऑफ करोगे तब आपको एज लाइटिंग नहीं मिलेगा। दोस्तों अगला फीचर भी ऐसा है जो आपको देखने मिलता है ओनली एमोलेड पैनल में, और वो है शो चार्जिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में डिस्प्ले में आपको मिलेगा एमोलेड वाले फोन में शो चार्जिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा फीचर नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे प्लग इन करते हो और आपके फोन में अगर एओडी डिसेबल भी है फिर भी जब आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ करोगे तो यहां पे शो करेगा कितनी परसेंट बैटरी मतलब चार्ज हुई है और कितना टाइम बाकी है फुल चार्ज होने के लिए। स्क्रीन ऑफ होती है फिर भी, लेकिन इस फोन में जिसमें है एलसीडी पैनल उसमें ऐसा फीचर नहीं है। तो जब आप अपने फोन के स्क्रीन को ऑफ करोगे तब आपको बैटरी परसेंट या फिर चार्जिंग रिमेनिंग टाइम शो नहीं करेगा। हालांकि लॉक स्क्रीन पे शो करेगा लेकिन ऑफ स्क्रीन पे शो नहीं करेगा। अगला फीचर जो है वो है डिस्प्ले टाइम आउट का, मतलब कि डिस्प्ले को कितने टाइम के लिए ऑन रखना है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में डिस्प्ले में, और ये है स्क्रीन टाइम आउट, यहां पे भी है स्क्रीन टाइम आउट, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो। यहां पे आपको मिलता है मैक्सिमम 30 मिनट का ऑप्शन, मतलब आप 30 मिनट तक मैक्सिमम इस डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो बिना टच किए। और इस फोन में आपको मिलता है मैक्सिमम 10 मिनट का ऑप्शन, मतलब कि एमोलेड में टाइम जो है स्क्रीन टाइम आउट वो कम है। और इसका रीजन क्या है, रीजन है स्क्रीन बर्निंग इशू। मतलब कि अगर आप पर्टिकुलर फोटो पे या स्टडी पिक्चर पे ऐसे रखते हो अपने फोन को बिना टच किए बिना मूव किए ज्यादा समय के लिए,
तो आपके फोन पे उसका रिफ्लेक्शन बन जाता है उस पिक्चर का, उस टेक्स्ट का, उसे कहते हैं स्क्रीन बर्निंग। एमोलेड पैनल में स्क्रीन बर्निंग की इशू ज्यादा होती है। सैमसंग चाहता है कि आपके फोन में स्क्रीन बर्निंग की इशू ना हो, इसलिए उसने जो मैक्सिमम टाइम आउट दिया है वो है 10 मिनट का एमोलेड पैनल में, लेकिन इस फोन में जिसमें एलसीडी है उसमें है 30 मिनट। और जो आखिरी फीचर है वो भी एक ऐसा फीचर है जो आपको देखने मिलता है केवल एमोलेड पैनल में। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, मोशन एंड जेस्चर में, आपको मिलेगा इसमें एमोलेड पैनल में लास्ट में एक ऑप्शन पाम स्वाइप टू कैप्चर, लेकिन इस फोन में जिसमें है एलसीडी पैनल उसमें ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं, पाम स्वाइप टू कैप्चर इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि आप पाम का यूज करके स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इस फोन में आप पाम स्वाइप करके स्क्रीनशॉट को कैप्चर नहीं कर सकते। और इसका रीजन ये है कि एलसीडी पैनल में आप टच करते हो पाम से, फुट से, टो से, तो भी टच काम करेगा, टच रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, आप देख पा रहे हो मैं टच करूंगा ना तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा ही, कुछ ना कुछ ओपन होगा ही, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर मैंने यहां पे इसे ऑफ कर दिया, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें मैं स्वाइप करूंगा लेकिन कुछ नहीं होगा। आप देख पा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ना ही कोई ऑप्शन ओपन हो रहा है और ना ही कोई स्वाइप हो रहा है। तो यही रीजन होता है, इसीलिए जिस फोन में भी सैमसंग के जिस फोन में भी एलसीडी पैनल है उसमें आपको पाम स्वाइप टू कैप्चर का फीचर देखने नहीं मिलेगा। और एक फीचर ऐसा है जो आपको देखने मिलेगा केवल एमोलेड पैनल में ही, लेकिन सैमसंग के सभी फोन में वो नहीं मिलता आपको देखने, और वो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। मतलब आप जब डिस्प्ले को ऑफ करते हो तब आपको यहाँ पे मिलता है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आप यहाँ पे स्कैन करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। एलसीडी पैनल में ऐसा फीचर आपको देखने नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिस फोन में भी एमोलेड पैनल होगा उन सभी फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, ऐसा नहीं होता। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।